हेलो दोस्तों, एंड द टॉपिक टेकन फॉर टुडे डिस्कशन इज मेटलर्जी। मेटलर्जी में हम पढ़ने वाले हैं टर्म्स रिलेटेड टू मेटलर्जी। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे आप उन चारों प्रोसेस को हम क्या करेंगे इसमें इंक्लूड कर देंगे। मतलब जितना भी हमने कुछ पढ़ा है उसको हम इंक्लूड कर लेंगे किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। तो तीन स्टेप में हम इस वीडियो को खत्म करने वाले हैं। पहले आपका जनरल टर्म्स, सेकेंड पार्ट आपका जो रहेगा वो रहेगा किस तरीके से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब जितनी प्रोसेस वहाँ पर होती है, और लास्ट हम क्या करेंगे एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये सारी प्रोसेसेस वन बाय वन समझ में आ जाए। तो पहले स्टार्ट करते हैं आपके जनरल टर्म्स एसोसिएटेड विद मेटलर्जी। मेटलर्जी में कौन कौन से जनरल टर्म्स जो आपके पास आते हैं, देखिए सबसे पहला टर्म जो आपको आना ही चाहिए वो है आपका मिनरल। अब मिनरल्स क्या होते हैं, देखिए सपोज आप मेटलर्जी प्रोसेस करने जा रहे हो तो पहला स्टेप आप क्या करोगे, आप उस पर्टिकुलर मिनरल को अर्थ क्रस्ट से बाहर निकालोगे। ठीक है, सपोज करिए ये आपका अर्थ का सरफेस है। अब आपने क्या करा, इससे एक्सट्रैक्ट किया सपोज ए बी और एक सी ले लेते हैं। ठीक है, सी बी और ए नाम के मिनरल्स आपने एक्सट्रैक्ट किए। ठीक है, सपोज आपको ये मिनरल्स मिल गए अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो इनसे आप प्रॉफिटेबली एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आप यहाँ से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते, सपोज आप एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो और आपको तीन तरह के कंपाउंड्स मिल गए जिनमें एल्यूमिनियम की मात्रा आपको मिल रही है। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका क्रायोलाइट हो गया, ये आपका बॉक्साइट हो गया, ये कोरंडम हो गया। ठीक है, ये तीन तरह के और आपको तीन तरह के मिनरल्स आपको एल्यूमिनियम के मिल गए। अब ये तो हुए आपके मिनरल्स, लेकिन और क्या हुए। अब जो आपने एनालाइज किया तो आपको पता चला कि बी बॉक्साइट, बॉक्साइट में ज़्यादा एल्यूमिनियम की मात्रा है। ठीक है, एनालाइज करने पर आपको क्या पता चला कि बॉक्साइट में ज़्यादा मात्रा है किसकी, एल्यूमिनियम की। तब आप कह दोगे कि ये क्या है, इसका ओर है। ठीक है, ये सारे तो मिनरल है क्योंकि यहाँ से एल्यूमिनियम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मात्रा मिल रहा है तो आप इसको क्या कह दोगे कि ये एल्यूमिनियम का ओर है, और ये क्या होता है आपका, इसको कह देते हैं बॉक्साइट। ठीक है, तो मिनरल्स आपके क्या होते हैं, मिनरल्स वह जहाँ से आपको किसी पर्टिकुलर मेटल की क्वांटिटी मिल रही है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है उस मिनरल को आप क्या कह देते हो, ओर। तो यहाँ से एक और बात निकल के आती है जो अक्सर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा दैट ऑल मिनरल्स आर ओर, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट आपको दे दिया ऑल ओर आर मिनरल, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा आपका, स्टेटमेंट नंबर टू, ऑल ओर आर मिनरल्स। लेकिन हर मिनरल ओर नहीं है, क्यों, क्योंकि हर मिनरल अगर ओर होता तो सब में एल्यूमिनियम की क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिलती, लेकिन एल्यूमिनियम की क्वांटिटी ज़्यादा सिर्फ कहाँ मिल रही है, बॉक्साइट में। तो आप कह दोगे दैट ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है, तो आई होप दैट मिनरल्स एंड ओर आर क्लियर टू यू। जहाँ पर आपको मात्रा मिले वो सारे मिनरल्स हैं, लेकिन जहाँ पर आपको ज़्यादा मात्रा मिल जाए उसको आप क्या कह देते हो, उसका ओर कह देते हो। ठीक है, तो मिनरल्स ओर आपका हो गया। फिर आता है आपके पास एक मैट्रिक्स जिसको हम कह देते हैं गैंगी। ठीक है, ये इसका सिनोनिम है, दोनों एक ही चीज़ हैं। अब मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए सपोज आपने इस ओर को उठा लिया जो है आपका बॉक्साइट। अब डेफिनेटली यहाँ पर केवल एल्यूमिनियम नहीं होगा, एल्यूमिनियम के साथ क्या होगा, एल्यूमिनियम प्लस अर्दली इम्प्योरिटीज। ठीक है, इसके साथ अर्दली इम्प्योरिटीज होगी, सैंड होगा, रॉक के पार्टिकल होंगे, डस्ट के पार्टिकल होगा, सॉइल्स के अलग अलग पार्टिकल्स होंगे। तो कहने मतलब ये है कि एल्यूमिनियम के साथ आपको कुछ अर्दली इम्प्योरिटीज भी मिलेगी, और इसको आप क्या कह देते हो, मैट्रिक्स या गैंग्यू। हर एक टर्म को समझिए, अगर आपने किसी ओर को उठा लिया है एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो एल्यूमिनियम के साथ वो क्या मिलने वाला है, अर्थली इम्प्योरिटीज भी मिलने वाली है। तो इस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या कहते हैं, इस ओवरऑल इसको हम क्या कहते हैं, हम कह देते हैं इसको मैट्रिक्स या गैंग्यू। फिर एक लास्ट टर्म आता है आपके पास, वो है आपका फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, देखिए अब अर्थली इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए जो भी आप चीज़ें यूज़ करने वाले हो उसको आप कह देते हो फ्लक्स। ठीक है, इस पोर्शन को हटाने के लिए जो आप इसमें मिक्स करते हो उसको आप कह देते हो फ्लक्स। और ये किस में रिजल्ट करता है, आपने इस ओर में मिक्स कर दिया फ्लक्स को तो आपको मिलता है स्लैग, विच इज़ कॉल्ड एज अ फ्यूजिबल कंपाउंड। ये फ्यूजिबल कंपाउंड मिलता है, हो सकता है आपको ये पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द पर्टिकुलर टर्म यूज फॉर फ्यूजिबल कंपाउंड ड्यूरिंग मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। तो उस फ्यूजिबल कंपाउंड को क्या बोल देते हैं, स्लैग। फिर से समझिए, मिनरल्स जहाँ से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, पॉसिबिलिटीज हैं, और का मतलब जहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस हैं, तो उसको क्या हो जाएगा उसका और, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल पर्टिकुलर मेटल आपको क्या मिलने वाला है, वहाँ से ज़्यादा मिलना, तो आपने क्या कह दिया वो उसका और है। फिर उसके साथ कुछ एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज़ होंगी, उनको आप क्या कह देते हो, मैट्रिक्स या गैंगी। ठीक है, लास्ट में जो आप इसके साथ ऐड करते हो क्या पाने के लिए, एक फ्यूजिबल कंपाउंड स्लैग पाने के लिए, उसको आप क्या कह देते हो,
फ्लक्स। तो ये थे कुछ बेसिक टर्म मेटलर्जी के जो आपको आना जरूरी है। अब बात करते हैं कि हम इस प्रोसेस को स्टार्ट कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आपने एक ओर को पिक कर लिया, आपने किसी पर्टिकुलर ओर को पिक कर लिया, अब क्या करना पड़ेगा, उससे आपको इम्प्यूरिटीज़ को धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसका मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कंसनट्रेट कर रहे हैं। कंसनट्रेट कर रहे हैं मतलब हम मेटल की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। अगर आप ओवरऑल फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अगर आप कहना चाहो तो आप किसी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, मतलब उसको कंसनट्रेट कर रहे हो। तो जो पहला स्टेप होता है वो होता है आपका कंसनट्रेशन ऑफ ओर, किसी ओर को कंसनट्रेट करना, कंसनट्रेशन ऑफ ओर। और कई मेथड्स आपके पास, कुछ मेथड डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके पास नंबर वन है ग्रेविटी सेपरेशन, एक मेथड है आपके पास ग्रेविटी सेपरेशन। इसमें आप क्या करते हो, देखिए इसमें आप क्या करते हो, एक ऐसा मशीन लेते हो जिसमें क्या होता है आपके ग्रुप्स होते हैं। देखिए इस तरह से ग्रुप्स होंगे। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या करते हो, इस पूरे ओर को इसके ऊपर डाल दिया जाता है, ठीक। और बेसिस ऑफ डेंसिटी, ये मेथड आपका बेस है डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। तो आपने क्या करा, ओर को इसके ऊपर डाल दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ से आप जेट ऑफ वाटर मतलब पानी की हाई क्वांटिटी को फ्लो कराते हो, कहाँ से, इस ऊपर वाले पार्ट से। अब इसमें क्या होगा, जितने भी ओर होंगे क्योंकि वो डेंसर होंगे, इसलिए कह रहा हूँ ये बेस्ड है आपका डेंसिटी पे। तो जो आपका ओर होगा वो डेंसर डेंसर होगा, तो क्या होगा, जैसे आप इसको इसके ऊपर डालोगे और ऊपर से वाटर को फ्लो कराओगे तो क्या होगा, इम्प्योरिटीज बह जाएंगी। लेकिन यहाँ पर कौन अटक जाएगा, आपका ओर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे, ओर्स। इस मेथड को आप कई बार यूज़ कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उतना आप इसको कंसनट्रेट कर सकते हो। अब हुआ क्या, यहाँ से सारी इम्प्योरिटी जिसकी डेंसिटी लाइट थी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर डेंसिटी बेसिस पे जिनकी डेंसिटी लाइट थी, मतलब कम डेंसिटी वाले थे, वो वाटर के कारण क्या हो गए, फ्लो कर गए। मतलब अब यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी मिलने वाला है क्या, आपका पर्टिकुलर मेटल। लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप जिस ओर को आप कंसनट्रेट कर रहे हो उसके साथ कुछ ऐसे इंप्योरिटीज भी होंगे जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही स्टेप में आपका काम होने वाला है, नहीं, कुछ इंप्योरिटीज आपकी ऐसी होंगी जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होंगी, तो वो इस मेथड में क्या करेंगी, बच जाएंगी, ठीक है, वो यहाँ पर बच जाएंगी। लेकिन जिनकी डेंसिटी कम है वो वाटर फ्लो के कारण क्या करेंगी, बह जाएंगी, और क्योंकि ओर आपका डेंसर पार्टिकल है तो यहाँ ग्रुप्स में आपको अटका हुआ मिल जाता है। इसको बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी। लाइटर नॉन यूजेबल पार्टिकल्स दे विल फ्लो डाउन बिकॉज ऑफ मिक्सिंग विद वाटर। वाटर से मिक्स हो गया तो फ्लो करेगा, लेकिन ये भारी है तो ये ग्रुप्स में अटक जाता है। तो ये होता है आपका ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। सेकेंड मेथड आता है आपका, पहला मेथड ये, सेकेंड में देखिए आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। अब कुछ आपके ऐसे अर्थली इंप्योरिटीज होती हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती हैं, तो उनके लिए आप क्या करते हो, वहाँ पर आप यूज़ करते हो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का। ग्रेविटी सेपरेशन क्या होता है, देखिए आपने एक फनल लिया, ठीक है, और इस फनल में आपने क्या करा, किसी मिक्सचर को डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होती है, आपकी कन्वेयर बेल्ट होती है, दिस इज योर कन्वेयर बेल्ट विच इज मैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या करोगे, आपने उस पूरे मिक्सचर को डाल दिया, ठीक है, आपने पूरे मिक्सचर को डाल दिया, और मिक्सचर फ्लो के कहाँ आएगा, यहाँ पर। अब यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, उसका इधर इधर की तरफ मूवमेंट होना शुरू होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पार्ट रख देते हैं मैग्नेटिक के, सॉरी, जो आपका ओर है उसको करेक्ट करने के लिए, और एक हो जाता है आपका नॉन यूजेबल पार्ट। सपोज करिए कुछ आपकी इम्प्योरिटीज़ है, कुछ आपके ओर्स हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ है, कुछ ओर्स है, वो ऐसे क्या कर रहे हैं, आपका ट्रैवल कर रहा है इस बेल्ट के ऊपर। अभी हमने क्या करा, अभी हमने इसमें मैग्नेट इंड्यूस नहीं किया, ठीक है। अब जैसे ही इधर क्रॉस होता है, यहाँ से मैग्नेटिक अट्रैक्शन शुरू होता है, अब क्या होगा, जो इसमें ओर मैग्नेटिक है, जो ओर मैग्नेटिक है वो इस बेल्ट में क्या रहेगा, स्टिक रहेगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक है, वो क्या करेगा, इस मैग्नेटिक बेल्ट पर स्टिक करे रहेगा, चिपका रहेगा। लेकिन जो मैग्नेटिक नहीं है वो क्या करेगा, वो यहाँ से इसके अंदर गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पर स्टिक तो वही करेगा ना जो मैग्नेटिक होगा, जो मैग्नेटिक नहीं है वो क्या करेगा, अब यहाँ पर क्या होगा, ग्रेविटी लगने वाली है, ग्रेविटी क्या करती है, किसी चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है। तो जो नॉन मैग्नेटिक है वो कहाँ गिरेगी, इसके अंदर, लेकिन जो मैग्नेटिक है वो यहाँ चलते रहते हैं, और यहाँ पर से आपका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म कर दिया जाता है, तो ये भी गिर जाते हैं, और ये कहाँ मिल जाते हैं आपके, यहाँ पर दूसरे वाले बकेट, ये जो भी आपने कलेक्टर यूज़ करा है। फिर से समझिए, आपने मिक्सचर को अलाउ किया इस फनल के थ्रू यहाँ गिरने पर, अब क्या होगा, यहाँ से आपका क्या होगा, ये ट्रैवल करना शुरू करा। अब जो मैग्नेटिक नहीं है वो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी यहाँ से गिर जाएगा, कहाँ, इस वाले बकेट में। लेकिन जो आगे की तरफ है वो आगे की तरफ क्यों गए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है,
और ये ओर्स कैसे हैं आपके, दीज ओर्स आर मैग्नेटिक इन नेचर, तो ये क्या करेंगे, ये बेल्ट से स्टिकी रहेंगे, ये नहीं गिरेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उससे ज़्यादा तगड़ी फोर्स कौन सी है आपकी, स्ट्रॉगर फोर्स कौन सी है, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये इसमें स्टिक रहेंगे और यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म कर दिया जाता है, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ आके गिर जाएंगे। आप सोचोगे यहाँ पर क्यों गिरेंगे, यहाँ पर इसलिए गिरेंगे क्योंकि यहाँ पर वो स्ट्रॉगर फोर्स तो रही नहीं, मैग्नेटिक फोर्स, तो आप क्या करेंगे, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी दे विल फॉल हेयर। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, मैग्नेटिक मैग्नेट के साथ यूज से या मैग्नेट की हेल्प से भी सेपरेशन कर सकते हो, और ये है आपका अंडर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ इम्प्योरिटीज़ साफ हो गई हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ अभी भी रहने वाली हैं। अगेन हो सकता है कुछ इम्प्योरिटीज़ भी आपकी मैग्नेटिक हो, जो मैग्नेट बेल्ट से अट्रैक्ट करती हूँ, तो कुछ हद तक क्या हुआ, काफ़ी हद तक हमने कुछ इम्प्योरिटीज़ को साइड कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर होगी, इसलिए ये क्या हो गया, पहले से ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ तो कुछ कम हुई है। ठीक है, तो पहला मेथड आपका ग्रेविटी सेपरेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी, सेकंड मेथड है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कन्वेयर बेल्ट के ऊपर पूरे मिक्सचर को जाने के लिए, जो नॉन मैग्नेटिक है वो यहाँ पर गिरेगा और जो मैग्नेटिक है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा मेथड है आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, एक फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड भी, और ये भी आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंडर ही आता है। देखिए फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या हुआ, देखिए FROTH फ्लोटेशन मेथड। अब फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर सल्फाइड वाले ओर्स का ही यूज़ करते हो। क्लियर, यहाँ पर आप सल्फाइड वाले ओर्स को ही यूज़ करते हो। सकता है क्वेश्चन मिल जाएगा आपको दैट फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज़ बेस्ट फॉर एल्यूमिनियम ओर, सल्फाइड ओर, या किसी चीज़ का ओर का ओर दे दिया, तो आपने टिक किस में करना है, सल्फाइड ओर्स। ये सल्फाइड ओर्स के लिए होते हैं। इसमें क्या करते हैं, मिक्सचर को किसी वेसल में रखकर उसमें क्या कर देते हैं, ऑयल को इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑयल को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर यहाँ से क्या करते हैं, आपकी प्रेशर वाली बेल्ट, प्रेशर वाला अपैरेटस होता है या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट होता है, तो क्या करता है, इसमें फॉर्म पैदा करता है, झाग पैदा करेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ से क्या जाएगी, एयर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है हाई वेलोसिटी पे। अब क्या होगा, अंदर झाग पैदा होगा, यानी वो मिक्स होना शुरू होगा। अब मिक्स होना शुरू होगा तो जो आपके सल्फाइड ओर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑयल के साथ ऊपर वाली लेयर में जमा हो जाते हैं यहाँ पर, और नीचे जो आपके डेंसर हैं वो कहाँ रह जाएंगे, नीचे ही रह जाते हैं। जो आपके डेंसर इम्प्योरिटीज़ हैं वो आपके नीचे ही रह जाती हैं, लेकिन जो ऊपर वाला मिक्सचर है ऑयल के साथ, वो कौन सा, आपका ऑयल प्लस सल्फाइड बन गया, मतलब सल्फाइड ओर्स। जो आपके हल्के ओर्स हैं उसमें, उसको आप इस मेथड से कंसंट्रेट कर सकते हो, मोस्टली सल्फाइड ओर्स ही होते हैं। क्यों, क्योंकि ये हल्के होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये ऑयल के साथ मिक्सचर बना के ऊपर आ जाएंगे और नीचे आपकी कौन रह जाएगी, इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो इसमें आप क्या यूज़ करते हो, एक प्रेशर क्रिएट करने वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो, जो क्या करता है, अंदर मिक्सचर बनाता है। मिक्सचर क्या होता है, एक फॉर्म पैदा होता है, यानी झाग पैदा होता है, और इसके कारण क्या होता है आपका, क्योंकि ऑयल आपका हल्का होता है तो अपने साथ किसको लेकर चला जाता है, ऊपर सल्फाइड ओर से, मतलब लाइटर ओर को लेकर ऊपर चला जाता है। तीसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जिसको हम डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं इसमें, जब मैं आपको एक एग्जांपल इसका बताऊँ। तो फोर्थ मेथड जो होता है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, जिसको आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हो, उसके हेल्प से भी आप किसी ओर को कंसंट्रेट कर सकते हो। तो फोर मेथड जो आपने पढ़े हुए हैं, आपका ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, सेकंड वाज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड या मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, थर्ड वाज योर फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, लास्ट वन वाज योर इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो। तो इन तरीके से आप किसी भी चीज़ को कंसंट्रेट कर सकते हो, मतलब किसी ओर को कंसंट्रेट कर सकते हो। दूसरी जो प्रोसेस आती है, देखिए वो होता है आपका कन्वर्जन टू ऑक्साइड फॉर्म, ये आपका सेकंड स्टेप है। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड क्या है आपका, जब भी आप किसी ओर को कंसंट्रेट कर लेते हो, फिर आप क्या करते हो, उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म किसी भी मेटल का रिड्यूस करना बहुत ईजी होता है, इसलिए जो सेकंड स्टेप हम हमेशा मेटलर्जी में रखते हैं वो रखते हैं कन्वर्जन ऑफ गिवन ओर टू इट्स ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड, जो भी हो, जिस चीज़ का भी मेटल, एल्यूमिनियम होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक है तो जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसका ऑक्साइड फॉर्म ले लेते हो। ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर टू है। थर्ड स्टेप आता है आपका रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ जो यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ पर आपको क्या मिला था, मेटलिक ऑक्साइड, जिस चीज़ का भी आपने ओर लिया है उसका मेटलिक ऑक्साइड बन जाता है स्टेप नंबर टू में। थर्ड में आपके पास क्या आता है, रिडक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। जैसे ये आपका उन एलिमेंट्स की, उन मेटल्स की ग्रुप जहाँ पर आपकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए, मतलब ये यहाँ तक आपकी एफिनिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब नॉर्मली आप इसको रिड्यूस नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद आपका सपोज
जिंक आ गया, लेड आ गया, कॉपर आ गया, तो ये वो हैं जो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। फिर आता आपके पास जैसे HG आ गया, AU आ गया, तो ये आपके पास क्या है, बहुत कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये आपका हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, दीज आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दीज आर लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड दीज आर लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब ऐसा कैटेगराइजेशन क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये जो आपके हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इनके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ता है इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, जो ये है, यहाँ पर आप यूज़ करते हो रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। और जो लास्ट है, जो लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यहाँ पर आप क्या यूज़ कर लेते हो, थर्मल डिसोसिएशन, मतलब आप इसको थर्मली ही तोड़ लोगे विद हेल्प ऑफ हीट, हीट के हेल्प से आप इसको तोड़ सकते हो, क्यों, क्योंकि लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। आई होप इट इज क्लियर। ये हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा करंट, यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। देन यहाँ पर आपके लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज, जैसे कॉपर, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। थर्मल डिसोसिएशन आप क्या करोगे, हीट का यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो मेटलिक ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका मेटल में, किस में रिड्यूस हो गया, मेटल में। और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपके गिवन मेटल में इम्प्योरिटीज़ हैं, तो हम फोर्थ स्टेप लेते हैं, ठीक है। ये था आपका थर्ड स्टेप, नंबर थर्ड। जो फोर्थ स्टेप है वो है आपका रिफाइनिंग, मतलब अब आपको मेटल तो मिल गया, जो आपको चाहिए था वो मेटल आपको मिल गया, लेकिन अब आप इसको क्या करोगे, रिफाइन करोगे, मतलब और ज़्यादा प्योर करोगे, ठीक है। रिफाइनिंग में कुछ मेथड देख लेते हैं, जैसे आपका है डिस्टिलेशन मेथड देख लेते हैं। आपका डिस्टिलेशन मेथड होता है, इसमें आप क्या करते हो, जो मेटल आपको मिला है, ठीक है, जो मेटल आपको मिला है, आपने उसको क्या करा, हीटअप किया। हीटअप करने से क्या हुआ, देखिए, हीटअप करने से जो वॉलेटाइल मेटल था वो वेपर के फॉर्म में कहाँ आ जाएगा, ऊपर, इसको आप कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो वेपर के फॉर्म में चले गए। जैसे आपका वाटर होता है, आपने वाटर को गर्म करा, स्टीम लिया, तो आप स्टीम को कलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही वॉलेटाइल मेटल को आप कलेक्ट कर लेते हो जब आप डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हो। इसका मतलब जो नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज वो कहाँ आने वाली है, नीचे, क्लियर, वो नीचे रुक जाती है, और जो आपका मेटल है जो वॉलेटाइल, वो कहाँ चला जाता है, ऊपर ही था। तो आप क्या कर सकते हो, इस मेटल को कलेक्ट कर सकते हो जो और ज़्यादा प्योरीफाई हो चुका है। पहले भी मेटल था लेकिन उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ थी, उसको आपने डिस्टिलेशन मेथड से क्या कर लिया, प्योर कर लिया, ठीक है। तो ये आपका मेथड नंबर टू, और मेथड नंबर वन डिस्टिलेशन मेथड। एक और मेथड आप देख लीजिए, ऑक्सीडेशन मेथड। अब ऑक्सीडेशन मेथड में क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो ऑक्सीडाइज हो सकती है, जैसे कार्बन है, किसी मेटल में आपको क्या मिल गया, आपको मेटल मिल गया, साथ में उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज थी जो कार्बन है। अब आपने क्या करा, इसका ऑक्सीडेशन कराना शुरू करा, तो कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, अब आपको क्या मिला, मेटल मिल गया, ठीक है। इस तरीके से भी आप किसी मेटल को रिफाइन कर सकते हो। ध्यान रखिए, हम रिफाइन कर रहे हैं, मेटल तो ऑलरेडी मिल गया, कहाँ से, स्टेप नंबर थ्री से, यहाँ पर आपने क्या करा, मेटलिक ऑक्साइड को कन्वर्ट करा मेटल में। अब हम क्या कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, दिस इज थर्ड लास्ट प्रोसेस वेयर वी आर रिफाइनिंग। सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स बाय विच यू कैन रिफाइन अ गिवन मेटल दैट यू हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेप नंबर थर्ड, ठीक है। इसका आप एक और चीज़ यूज सकते हो, अगेन आप करंट यूज़ कर सकते हो। आप क्या करते हो, करंट की हेल्प से किसी इम्प्योर मेटल को, आपने इम्प्योर मेटल लिया और इसको कनेक्ट कर दिया आपके पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, और आपने इसको करंट रिड्यूस कराया, यहाँ पर होगा आपका एक थिन मेटल की रॉड होगी, और आपने क्या करना है, इसको करंट पास कराते हो, इससे क्या होता है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं तो इम्प्योरिटीज़ कहाँ गिर जाती हैं, आपकी नीचे, और आपको क्या मिल जाता है, प्योर मेटल। एक मेथड ये भी है जिसको आप इलेक्ट्रोलिसिस मेथड कह सकते हो। तो इसमें आप क्या करते हो, इम्प्योर मेटल को रखते हो जो आपने स्टेप नंबर थ्री से लिया है, फिर आप इसमें करंट पास करवाते हो, इससे क्या होता है, क्योंकि वो क्या कर जाती है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ दैट करंट दीज डस्ट पार्टिकल गेट सेपरेटेड और कलेक्ट हो जाती है नीचे, यहाँ पर आपकी इम्प्योरिटीज गिर जाती हैं और आपको ऊपर क्या मिल जाता है, प्योर मेटल। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड किसके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है। हो सकता है किसी चीज़ के लिए ऑक्सीडेटिव मेथड बेस्ट है, फिर आपको ये मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है किसी के लिए आपको ये मेथड यूज़ करना बेस्ट है, तो आपको ये दो मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने वीडियो का सेकेंड पार्ट भी खत्म कर लिया, जहाँ पर हमने क्या देखना था कि कौन कौन से स्टेप होते हैं मेटलर्जी के। पहला स्टेप आपको कंसंट्रेट कराना है किसी भी ओर को, सेकंड स्टेप आपको उसमें मेटलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, जो भी उसका मेटलिक ऑक्साइड हो। थर्ड स्टेप आपने उसको रिड्यूस करना है विद हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर करंट, या फिर आप नॉर्मली उसे थर्मली डिसोसिएट करा सकते हो। और लास्ट स्टेप आपका क्या था, किसी मेटल को जो ऑप्टेन हुआ उसको और ज़्यादा प्योर करना विद हेल्प ऑफ रिफाइनिंग। सो देयर आर ओनली फोर मेथड्स फॉर डूइंग ऑल दिस। नाउ द लास्ट
पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका सारी चीज़ें कवर हो जाए। तो एग्जांपल लेते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एल्युमिनियम के। सपोज हम बात कर रहे हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस दैट वी यूज फॉर एल्युमिनियम, ठीक है। तो स्टेप वीडियो के स्टार्टिंग में जाते हैं जहाँ पर मैं बात करती हूँ मिनरल की। इसके तीन मिनरल मैंने आपको बताया कौन से, क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम, ठीक है, तीन आपके पास है। तो आपने उन मिनरल्स में से किसको चूज करा, आपने चूज करा बॉक्साइट को, ठीक है। बिल्कुल जैसा वीडियो में बताया था बिल्कुल वैसे ही स्टेप बाय स्टेप चलने वाले। तो हमने चूज कर लिया किसको, बॉक्साइट को, फॉर्मूला Al2O3.2H2, ठीक है। ये आपका किसका फॉर्मूला है, ये आपका बॉक्साइट का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर टू क्या था, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसके ऑक्साइड में। तो हमको यूज़ करना पड़ेगा कुछ, यहाँ पर केमिकल रिएजेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है NaOH। यहाँ पर यूज़ कर लिया NaOH, इससे आपको क्या मिलेगा, देखिए सबको मिलेगा NaAlO2+H2, ठीक। आपने क्या करा, किसी बॉक्साइड को लिया और उसको NaOH से ट्रीट कराया, अब आपको क्या मिला NaAlO2+S2, ठीक है। ये होता है आपका नियरली 150 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस पर। अब उन्होंने क्या करा, अब आप इस NaAlO2 को यहाँ पर लीजिए NaAlO2, उसकी रिएक्शन करा दीजिए आप वाटर के साथ, फिर आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है NaOH और आपको मिल जाता है AlOH का होल थ्राइस। अभी भी ये ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ये सारे स्टेप आपको लेने पड़ते हैं बॉक्साइड केस में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इसके ऑक्साइड फॉर्म में, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका AlOH होल थ्राइस को आप यहाँ पर लेते हो और क्या कर देते हो इसको 1100 डिग्री सेल्सियस, अगर यहाँ पर टेम्परेचर लिखना हो यहाँ पर होता है आपका 50-60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, आपको मिल जाएगा एल्यूमिना Al2O3+, यहाँ पर आपको मिल जाएगा H2O, ठीक है। चाहो तो आप बैलेंस भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2 Al यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और आपका ये हो गया 3 हाइड्रोजन, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 3H2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ऑक्सीजन कितनी है टोटल 6, और हाइड्रोजन कितने आपके 3-6, तो यहाँ पर 6 क्या हो गया आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे इसको बैलेंस कर सकते हो। अब देखिए आपको क्या मिल गया Al2O3, इसको हम बोल देते हैं एल्यूमिना, ठीक है। तो दो स्टेप हमने पूरे कर लिए, पहला स्टेप तो आपका कंसंट्रेशन हो, आपको ऑलरेडी बता दिया, आप कोई भी और लीजिए, उसको ग्रेविटी सेपरेशन में रखिए या मैग्नेटिक सेपरेशन करिए या इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज़ करिए, जो भी आपको यूज़ करना है। फिर आप क्या करते हो, सेकंड स्टेप में आप कन्वर्ट करते हो उसको ऑक्साइड फॉर्म में। तो ऑक्साइड फॉर्म में हमने इसको क्या कर लिया, ले लिया Al2O3, मतलब एल्युमिनिया के फॉर्म में। अब अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज वाले टर्म में जाओगे जो आपने इससे पहले पढ़ा, तो आप देखोगे कि एल्युमिनियम कैसा है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वहाँ से पता चलता है कि ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो उसके लिए कौन सा मेथड कहा गया था कि आपने क्या करना है, Al2O3 क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो हम इसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज़ करते हैं। अब ये टूटेगा कैसे, देखिए Al+3, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो एल्यूमिनियम है, ठीक है, +(OO)-, सिंपल आपने तोड़ दिया, देखिए तीन ऑक्सीजन, दो एल्यूमिनियम। अब आपने क्या करना है, देखिए अब कैथोड पर क्या होने वाला है, देखिए कैथोड पर, अब आप सोचोगे कैथोड क्यों लिखा, एनोड क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, +3 है, मतलब कैटायन है, C2C, कैटायन माइग्रेट्स टू कैथोड, ठीक है। तो Al+3 को हमने क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। तो Al+3 कब बना होगा, Al+3 बना होगा 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, लेकिन यहाँ तो 2 Al है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे होंगे, तो उसका आपने उल्टा कर देना है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे होंगे, अब इसको क्या कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो वापस, फिर क्या मिलेगा आपको, एल्यूमिनियम, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम मिल जाएगा, ठीक है। एनोड पर अगर आप बात करें तो एनोड पर क्या होने वाला है, देखिए आपके पास है Thrice O2-, एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करे, 3 ने कितने करे होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रिसीव करे होंगे, तो क्या करें, इसने रिसीव करा है तो इसे क्या करें, न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देंगे, -6 इलेक्ट्रॉन, ये आपको मिल गया O, फिर क्या करता है, O से कंबाइन करता है और आपको देता है ऑक्सीजन गैस, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमको एल्यूमिनियम मिल गया, ठीक है, हमको एल्यूमिनियम मिल गया यहाँ पर कैथोड पर, किससे मिला, आपके एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से। तो पहले आपने कंसंट्रेट किया, फिर आपने क्या करा, कन्वर्ट करा ऑक्साइड फॉर्म में, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्साइड आर इजी टू रिड्यूस। फिर आपने क्या करा, आपने देखा कि एल्यूमिनियम हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस वाला मेथड। तो आपने इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज़ करा, आपको क्या मिल गया, एल्यूमिनियम, और यहाँ पर आपको क्या मिली, एनोड पर आपको मिली ऑक्सीजन एटम, जो कंबाइन करता है क्या बनाता है, आपको देता है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो
इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बॉक्साइट में कैथोड पर क्या बनता है, तो कैथोड बनता है आपका एल्यूमिनियम, एनोड पर क्या बनती है आपकी ऑक्सीजन गैस। फिर आता है फोर्थ स्टेप रिफाइनिंग का, जो आप कर सकते हो होब्स प्रोसेस से बॉक्साइट के केस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इसको ज़्यादातर इसके रिफाइनिंग वाले फॉर्म में नहीं ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से जो एल्यूमिनियम आपको मिलता है वो ऑलरेडी 99.5% प्योर ही होता है, क्लियर, ठीक है। फिर आप एक नई मेथड यूज़ करोगे तो आप ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करोगे वगैरह वगैरह हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, इसको हम मोस्टली क्या करते हैं, यहीं पर रोक देते हैं प्रोसेस को। फोर्थ स्टेप में जाना चाहो तो जा सकते हो, आप होब्स प्रोसेस यूज़ करके एल्यूमिनियम को मोर कंसंट्रेट कर सकते हो, 99.9% तक ले सकते हो, लेकिन ऑलरेडी 99.5% प्योर आपको मिल जाता है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड वाले केस में, मतलब जहाँ पर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कन्वर्जन करते हो उसके मेटल में। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या होता है, थर्ड स्टेप ही काफ़ी है, अगर चाहो तो आप फोर्थ मेथड में भी जा सकते हो, ठीक है, दैट इज रिफाइनिंग मेथड। तो एल्यूमिनियम में केस हमने क्या देखा, इसको हमने जो पढ़ा, हमने क्या करा, उसी को एनालाइज किया या उसी को रिपीट किया। देखिए कैसे रिपीट किया, पहले हमने मिनरल चूज़ करा, तीनों मिनरल से हमने किसको चूज़ करा, ओर को, ओर कौन था आपका ऑक्साइड, फिर हमने उसको कंसनट्रेट किया, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो कंसनट्रेट करने के लिए, फिर हमने क्या करा उसको कन्वर्ट किया उसके ऑक्साइड फॉर्म में जो था आपका एल्यूमिना, फिर एल्यूमिनियम को हम लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में, क्वेश्चन आ सकता है क्यों, इसलिए लेंगे क्योंकि ये क्या है आपका हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। फिर आपने क्या करा, आपने देखा कि कैथोड पर आपको क्या मिल रहा है एल्यूमिनियम और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है ऑक्सीजन गैस। सो इन दिस मेथड, इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक मेटलर्जी, मेटलर्जी में बेसिक क्या क्या चीज़ें, आपके टर्म्स क्या हैं, फिर आपके चार मेथड्स कौन कौन से हैं जिससे आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो, और हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस करा ताकि आपको पूरी पूरी क्लैरिटी आ जाए मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में। तो ध्यान रखिए मेटलर्जिकल प्रोसेस में आप क्या करते हो सकता है क्वेश्चन यही आ जाए कि मेटलर्जी प्रोसेस यूज फॉर, इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल, कहाँ से, ओर से, ना कि मिनरल से, ठीक है। कभी भी आप मिनरल वाला आंसर चूज़ मत करिए, आपको आंसर कौन सा चूज़ करना है, आपका ओर वाला मेटल, और कुछ ओर्स को भी आपको याद करना है, आप डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के ओर डेफिनेटली याद करके जाइए, जैसे पिछली बार क्वेश्चन था सिनेबार वाला, तो सिनेबार इज एन ओर ऑफ मर्करी, ये कुछ क्वेश्चन आते हैं जो सिर्फ ओर पे बेस्ड होते हैं कि ये किसका ओर है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना होगा। तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, सो टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग, एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।